वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बाखैर होंगे, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि हम आपके लिए हर हफ्ते लेके आएंगे इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और इसी सीरीज के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया। और मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने आज 50वां वीडियो रिकॉर्ड किया। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में ये हमारा 50वां वीडियो होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको इन वीडियो से फायदा होता रहा है। तो आपका भी एक जिम्मेदारी है, और वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें और शेयर करें। जितने ज्यादा आप शेयर करेंगे उतनी हमारी रीच बढ़ेगी, जितने ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा लोगों को हमारा सजेशन पहुंचेगा वीडियोस को लेकर। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में अभी तक हमने आर्टिकल 41 तक पढ़ लिया है। हमारा जो अभी चल रहा है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4, जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसमें स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दिए गए, डायरेक्टिव्स दिए गए, और बताया गया कि स्टेट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी सिलसिले में जो हमारा इससे पहले का वीडियो था वो था आर्टिकल 41 को लेकर। अगर आपने अभी तक आर्टिकल 41 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस सिलसिले को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो है हमारा वो है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में क्या कहा गया, इसमें ये बोला गया साफ साफ कि जैसे कि आर्टिकल 41 में आपने देखा कि राइट टू वर्क के बारे में बात किया गया, तो यहां पे बताया गया कि कैसे राइट टू वर्क के तहत जस्ट ह्यूमेन कंडीशन आना चाहिए, जस्ट फेयर एंड ह्यूमेन कंडीशन। अब इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि एक ऐसा कंडीशन जहां पे अच्छी तरीके से काम करने का एनवायरमेंट हो। अब हम सबका ये एक्सपीरियंस भी है कि हम लोग देखते हैं कहीं पे कोई इंसान लो पे होता है, उसको सैलरी कम मिल रही होती है, लेकिन वो तब भी एक लंबे अरसे तक वहां पे काम कर रहा होता है। तो क्यों कर रहा होता है, क्योंकि वहां पे उसको माहौल अच्छा मिलता है, वहां का एनवायरमेंट अच्छा मिलता है। अगर किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में वहां का एनवायरमेंट, वहां का माहौल अच्छा होगा तो कोई भी इंसान एक लंबे अरसे तक वहां पे रहकर काम करना पसंद करेगा। क्योंकि इंसान की एक फितरत है कि वो परेशानी वाली जगह पे नहीं जाना चाहता, वो नहीं चाहता कि उसको जहां पे परेशानी मिले, वहां पे तंग किया जाए, वहां पे वो काम करे। बल्कि इंसान ये चाहता है कि जहां पे उसको सुकून से काम करने दिया जाए वहां पे काम करे। और हम देखते भी ऐसे कई सारी फैक्ट्रीज में, कई सारे कारखाने में कि वहां पे लोग जो काम कर रहे हैं उनको एनवायरमेंट अच्छा मिलने की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वहां पे लोगों के काम करने का जो तरीका है वो ज्यादा हो जाता है और उस कंपनी का उससे ज्यादा ज्यादा फायदा होता है। जैसे कि हम देखते हैं टाटा या अंबानी इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, या फिर आप कह लें इंटरनेशनल लेवल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनीज हैं उनमें कर लिए, जैसे कि गूगल हो गया या अमेजन हो गया, एलन मस्क का, इन सब पे हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल आवर्स होता है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, साथ ही साथ एक एनवायरमेंट जो है, एक माहौल जो है वो इतना अच्छा मिल रहा होता है कि लोग वहां पे काम करना पसंद करते हैं। दूसरी बात जो आर्टिकल 42 में कहा गया जस्ट ह्यूमन कंडीशन के बाद, वो था मेटर्निटी लीव को लेकर। और ये बात आप सोचिए, मेटर्निटी लीव की बात कब की जा रही है, जब 1948 में इस आर्टिकल के ऊपर बहस किया जा रहा था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनका एक विजन देखिए आप, उनकी सोच देखिए कि कितनी दूर तक थी, कि उन्होंने पहले ही सोच के रखा कि अगर हम जस्ट ह्यूमन कंडीशन दे रहे हैं सबके लिए, तो वहां पर औरतों के लिए भी स्पेसिफिकली बात किया जाए, खास करके बात किया जाए और बताया जाए कि उनको मेटर्निटी लीव मिलनी चाहिए। और ये प्रिंसिपल्स क्यों दिया गया, ताकि स्टेट इन सब चीजों को लागू कर सके। और स्टेट को लागू करने से ये है कि जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा कंडीशन मिले, और जो औरतें हैं जिनका एक टाइम होता है, गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, उनको चाहिए होता है कि कुछ टाइम की छुट्टी चाहिए, तो वहां पर उनके लिए मेटर्निटी लीव की बात की गई। किसमें, आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42 के कुछ जरूरी बातें हैं, कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं, वो ये हैं कुछ में। इसमें से सबसे पहले आ जाता है कि जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क और मेटर्निटी लीव फॉर वुमेन। उसके बाद आ जाता है कि आर्टिकल 42 जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 42 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आप डायरेक्टली कोर्ट में जाकर एनफोर्स नहीं करवा सकते। लेकिन स्टेट को एक जरूरी बात बोला गया, स्टेट को लाजमी किया गया कि ये जो बात बोली गई है जस्ट ह्यूमन कंडीशन, अच्छे माहौल की वर्किंग कंडीशंस में और मेटर्निटी लीव की, उसके लिए कुछ ऐसे लॉज लेके आए, पॉलिसीज लेके आए, प्रोविजंस लेके आए, जिससे इस चीज को स्थापित किया जा सके या एस्टेब्लिश किया जा सके। इसके बाद आ जाता है कि कुछ और ऐसे काम हैं जहां पर बॉन्डेड लेबर्स होते हैं, चाइल्ड लेबर्स होता है, तो उनको भी खत्म करने के लिए बोला गया, और वो भी बात आर्टिकल 42 में बोला गया। और पार्ट जो है आर्टिकल 42 का वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को
ये बात बोला गया है कि आप इस प्रिंसिपल को आर्टिकल 42 को लागू करें अपने लॉज के जरिए से। अगर कुछ भी लॉज आप ला रहे हैं तो उसमें जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्किंग और मेटर्निटी लीव के बारे में आप प्रोविजंस डालें, उसमें खास करके मेंशन करके दें कि ये चीज है। उसके बाद ये है कि कोर्ट भी यहां तक कि फटकार लगा सकता है अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कुछ ऐसे लॉज लेके आए जिसमें इस चीज को नहीं किया गया, तो कोर्ट वहां पे बोल सकती है फटकार लगाकर कि आपको आर्टिकल 42 का ये प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल जो बात बोली गई है कि एक अच्छा माहौल काम करने का प्रोवाइड किया जाए फैक्ट्रीज में और औरतों को मेटर्निटी लीव दी जाए, इसको आप खास करके लेकर आए। अगर कहीं पे क्वेश्चनेबल काम करती है कोई भी लेजिस्लेचर या एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के जो लोग हैं तो उनके लिए यहां पर कोर्ट जो है फटकार लगा सकती है। अब हमारा कोई भी वीडियो बिना केस लॉ के पूरा नहीं होता है, तो इसी सिलसिले में आर्टिकल 42 के लेके जो पहला केस लॉ है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि मैं आपको बताऊं वो ये है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स। इसमें फीमेल वर्कर्स जो थी वो टेम्पररी थी, वो परमानेंट नहीं थी, मतलब वो रेगुलर नहीं थी, इरेगुलर थी। उनको काम दिया गया था, उन्होंने अपना कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम कर रही थी और उन्होंने जाके केस किया और बोला कि आर्टिकल 42 के तहत जो मेटर्निटी लीव है वो उनके लिए भी बनती है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1961 में मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो आया उसके तहत आर्टिकल 39 और आर्टिकल 42 को लागू करने की बात बोली गई, और यहां तक ये भी बोला कि यहां पर ये भी बोला गया कि चाहे औरत रेगुलर हो या इरेगुलर हो, परमानेंट हो या टेम्पररी हो, उनको छुट्टी का हक है। और साथ में ये बोला कि अगर एडवांस प्रेगनेंसी में है तो उसको बच्चे की डिलीवरी होने से 6 हफ्ते पहले और डिलीवरी होने के 6 हफ्ते बाद तक की छुट्टी की बात की गई। अगर हम देखें तो टोटल 12 हफ्ते होते हैं, जिसका मतलब हम एवरेज मान लें कि 3 महीने की छुट्टी की बात की गई। चलिए ये तो हो गया एक केस, अब बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा जो एक जरूरी केस है वो हाल फिलहाल का ही है, ये केस है 2019 का और इस केस का नाम है अंशु रानी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में होता यह है कि जो पेटिशनर है अंशु रानी, उन्होंने 180 दिन की छुट्टी मांगी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया, 90 दिन की छुट्टी दी और उन्होंने अंशु रानी ने फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया कि उनको 180 दिन का दिया जाए, जिस पर स्टेट की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर अंशु रानी ने केस किया और वहां पे डिमांड करी इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि उनको 180 दिन की छुट्टी दी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रीजन पूछा कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तो सरकार की तरफ से, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से कुछ भी रीजन नहीं दिया गया, जिस पर उस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि 180 दिन का जो मेटर्निटी लीव है वो वैलिड बनता है। साथ ही साथ ये भी बोला कि यहां पर 180 दिन की जो पेमेंट है फुल पेमेंट देनी होगी, भले ही वो किसी भी तरह के काम में क्यों नहीं इन्वॉल्व हो, वो औरत वो जिन्होंने पेटिशन डाला था वो किसी भी तरह के काम में क्यों नहीं हो, उनको फुल पेमेंट मिलनी चाहिए। तो ये हो गए दो जरूरी केस जो हमने आपको आर्टिकल 42 के तहत बताया, पहला था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस फीमेल वर्कर्स और दूसरा था अंशु रानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों केस समझ में आ गए और ये भी समझ में आ गया कि जो आर्टिकल 42 में आपके लिए बोला गया है कि मेटर्निटी लीव साथ में ह्यूमेन कंडीशन की जो बात की गई उसको आपको प्रोवाइड किया जाए। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या कहीं कारखाने में काम कर रहे हैं या किसी जगह पे भी काम कर रहे हैं, अगर वहां पे आपको अच्छा एनवायरमेंट नहीं दिया जा रहा है, अच्छा काम करने का माहौल नहीं दिया जा रहा है, तो आप पेटिशन डाल सकते हैं आर्टिकल 42 के तहत कि ये आर्टिकल 42 में डायरेक्शन दिया गया है स्टेट को कि पॉलिसीज ला के इन चीजों को एस्टेब्लिश करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतनी हमारी रीच बढ़ेगी और जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना लोगों तक हमारा सजेशन जाएगा वीडियोज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिशन।